नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिडवेल इंडिया, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कर चुका हूं। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम की जो मैंने किताब उठाई थी उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जो बचा कुचा पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला वो मैं समय आने पर कंप्लीट करूंगा। लेकिन अब चूंकि एग्जाम आने वाला है तो मिडवेल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है। अब ये जो मिडवेल हिस्ट्री है इसके लिए जो मैंने यहाँ पे आप कह सकते हो बेस किताब उठाई है वो सतीश चंद्रा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सतीश चंद्रा को बस मैं यहाँ पे बेस लेके चल रहा हूँ। इसके साथ जो भी एसोसिएटेड जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक्स्ट्रा तरीके से आपके लिए कंप्लीट करूंगा। इसलिए दिस इज बेसिकली अ कंसोलिडेटेड मिडवेल हिस्ट्री कोर्स फॉर यूपीएससी पीसेस एंड अदर एग्जाम्स फ्रॉम माई साइड हर्ष द्विवेदी। ठीक है, मतलब ये मत समझिए कि केवल सतीश चंद्रा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरी मिडवेल हिस्ट्री, सतीश चंद्रा प्लस जितने भी दूसरे डाइवर्स सोर्सेज हैं, आपकी हॉलिस्टिक मिडवेल हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि इसमें जो रेफरेंस किताब है वो सतीश चंद्रा है। ठीक है, तो रेफरेंस ये है प्लस बहुत सारे कंसोलिडेटेड और डाइवर्स सोर्सेज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में एक बेसिक आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिडिल हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे जो मिडिल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो वो शुरुआत हो रही है भाई आपका यूरोप में क्या हो रहा था और अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा था। देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया में घुसने से पहले यूरोप, और ये यूरोप का 8वीं शताब्दी से लेके 1200, 1300, 1400 तक क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर के क्या हालात थे, डार्क एज क्या थी, फ्यूडलिज्म का ग्रोथ वेस्टर्न यूरोप में कैसे हुआ, क्रिश्चियन चर्चेस का क्या रोल था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का क्या रोल था, अरब्स कैसे एंट्री मारते हैं अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 में, और इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट तरीके से पूरा करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूरोप, बाइजेंटाइन एम्पायर, डार्क एज, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म और क्रिश्चियन चर्चेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्यूडलिज्म इंडिया में कैसे ग्रो किया, जो जमींदारों की कहानी है वो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफी सुनाई है, कैसे जमींदार, जोतेदार, मनी लेंडर्स या हमारे देश के फार्मर्स को चूसते थे। उसी प्रकार से जो फ्यूडलिज्म की धारणा है, ठीक है, जो आप कह सकते हो यूरोप की जमींदारी प्रथा है, ये वहां पे कैसे शुरू हुई, फ्यूडलिज्म यूरोप में कैसे शुरू हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। और इंडिया में जमींदारी ऐसी नहीं है कि अंग्रेजों के समय पर शुरू हुई है, ये जो इंडिया का फ्यूडलिज्म है ये दिल्ली सल्तनत के समय से चल रहा है, तो उसको भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट फ्यूडलिज्म के थोड़े थोड़े आप कह सकते हो जो बेसिक आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैं वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री में भी देखने को मिले हैं। तो फ्यूडलिज्म एक्चुअली में यूरोप में कैसे शुरू हुआ वो हम यहाँ समझेंगे। इंडिया में एग्जैक्टली फ्यूडलिज्म कैसे आया वो जैसे जैसे ये वीडियोस आगे अपलोड होती जाएंगी, मिडिल इंडिया की हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये चीज़ें भी आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चूंकि मिडिल हिस्ट्री का कोर्स है तो अगर आप किसी को भी जानते हो जिसको मिडिल हिस्ट्री के कोर्स की ज़रूरत हो तो आप उसको इस वीडियो को या मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में कंप्लीट करा चुका हूं, रमेश सिंह की इकोनॉमी अपलोड हो रही है, आज भी एक वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी मेरे लेक्चर्स अपलोड होते हैं करंट अफेयर्स की उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। डेली द हिंदू एडिटोरियल हो चाहे डेली करंट अफेयर्स हो, उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन को नहीं भेजता है। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी कितने समय का टाइम पीरियड है, ये 1000 सालों का टाइम पीरियड है। अब अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करो तो इस टाइम पीरियड में इंडिया में भी चेंजेस हो रहे थे, दुनिया में भी चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे इंडिया से चेंजेस से ज़्यादा हम लोग दुनिया में चेंजेस की बात करेंगे, खासकर यूरोप और अरब वर्ल्ड में क्या आ रहा उसकी बात करेंगे। यूरोप में नए सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स उभर के आ रहे थे, और ये नए सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स लोगों के रहने के तरीके के ऊपर फ़र्क डाल रहे थे। लोग कैसे रहते हैं और लोग कैसे सोचते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होनी थी। इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था। मेडिटेरेनियन सी का जो इलाका है, अगर आप ये नक्शा देखो यहाँ पे, तो इसमें आपको ये वाला जो इलाका लग रहा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मेडिटेरेनियन सी है। इसके अगर आप साउथ में चले जाओ तो अल्जीरिया, आपको बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ मिल जाएंगी, और नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको यूरोप मिल जाएगा। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ इंडिया बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर इस मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले इलाके पे इम्पैक्ट आ रहा है तो इंडिया के साथ ट्रेड पे भी इम्पैक्ट आएगा।
तो वो इम्पैक्ट कैसे ना कैसे करके इंडिया पे पहुंचेगा ही। प्लस उस समय पे भी इंडिया के बहुत सारे लोग इस इलाके में जाते थे, इस इलाके के बहुत सारे लोग इंडिया में आते थे। तो भाई ट्रेड के साथ साथ इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ, ये कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास, इनके साथ कल्चरल रिलेशंस भी थे। तो रोमन अम्पायर हो, कहीं ना कहीं पर्शियन अम्पायर हो, ये किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। तो कह सकते हो कि ये जो इम्पैक्ट है ना, इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये वैसा ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं रोमन अम्पायर्स और पर्शियन अम्पायर से हमारे इंडियन कल्चर ने बहुत कुछ बरो किया है, और हमारे इंडियन कल्चर से रोमन और पर्शियन अम्पायर्स ने बहुत कुछ बरो किया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में बात की जाएगी किसकी, यूरोप की। अगर आप बात करो यूरोप की, तो भाई यूरोप में एक समय पे रोमन अम्पायर का राज चलता था। रोमन अम्पायर ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में, और ऑलमोस्ट देखिए आपका पूरा का पूरा ये जो लाल रंग का इलाका है, ये रोमन अम्पायर, तो ये यूके दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ये सब आपका रोमन अम्पायर के अंदर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के अंदर आ रहा है। प्रेजेंट डे टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये सब आपके यूरोप, ये रोमन अम्पायर के अंदर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मॉडर्न डे टर्की, सीरिया, ये जितनी भी कंट्रीज है ना प्रेजेंट डे की, ये उस समय पे रोमन अम्पायर के अंदर थी। तो रोमन अम्पायर रियली में एक माइटी रोमन अम्पायर था। ये लाल रंग का इलाका इधर जो आपको फिगर में दिख रहा है, 117 एडी की ये बात है, और ये रोमन अम्पायर था। मतलब इतने बड़े इलाके में रोमन अम्पायर फैला था। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, इतने बड़े इलाके में कोई अम्पायर फैला हो तो इसको कंसोलिडेट करके और एक रख के रखना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी तक ये अम्पायर टूटने लगा। थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी क्या हो जाएगा, तो 550 से लेके 575 एडी में ये जो रोमन अम्पायर था इतना बड़ा, ये टूटने लगा। और जब ये टूटा तो शुरुआत में ये दो अलग अलग भागों में टूटा। एक भाग बना ईस्टर्न रोमन अम्पायर, ठीक है, और एक भाग बना वेस्टर्न रोमन अम्पायर, ठीक है। तो रोमन अम्पायर बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैला था, इराक, सीरिया, मॉडर्न डे टर्की, इसका बहुत बड़ा इलाका रोमन अम्पायर में था, नॉर्दर्न अफ्रीका का बहुत बड़ा इलाका रोमन अम्पायर में था। दो भागों में टूटा, एक भाग बना वेस्टर्न पार्ट, एक भाग बना ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट की बात करें, वेस्टर्न पार्ट का जो रोमन अम्पायर था उसकी कैपिटल थी रोम, ठीक है। ये जो इटली है प्रेजेंट डे, उसमें यहाँ कहीं पर रोम है, ठीक है भाई। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन अम्पायर की कैपिटल थी रोम। अब इस रोम वाले इलाके में बहुत सारे स्लैव जाति के लोग और जर्मेनिक ट्राइब्समैन एंट्री मारने लगे। ये लोग रशिया और जर्मनी के साइड से रोमन अम्पायर वाले इलाकों में घुसने लगे, और ये जो ट्राइब्स थी ना, ये प्लंडरस ट्राइब्स थी। होता ना कि उस समय पे कोई मॉडर्न वॉरफेयर का सिद्धांत तो था नहीं, तो घोड़े पे चढ़ चढ़ के ये ट्राइब्स आते थे, तलवारें ले लेके और अटैक कर देते थे। तो ये जो ट्राइब्स आए ना, बहुत वेव्स में आए, और इनका जो बेसिक नेचर था वो प्लंडरिंग था। ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज लोग नहीं थे, ये ऐसे लोग थे कि भाई जाओ मारो काटो लूटो खाओ पियो सो, उस टाइप के लोग थे। तो रैवेजिंग और प्लंडरिंग इन स्लाव जाति के लोगों का और जर्मनिक जाति के लोगों का बेसिक सेंस था। ये बात हो रही 6th शताब्दी की, 6th शताब्दी से पहले की इनफैक्ट बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो ओल्ड रोमन अम्पायर था, खासकर ये जो वेस्टर्न वाला रोमन अम्पायर था जिसकी कैपिटल थी रोम में, यहाँ पे बहुत सारे स्लाव और जर्मनिक जाति के जो ट्राइबल लोग हैं वो अटैक मारने लगे। और जैसे जैसे वो अटैक मारने लगे, तो जहाँ जहाँ पे जाते थे अटैक करते थे, कुछ हिस्सा हड़पते थे, वहाँ की लोकल लेडीज़ के साथ शादी कर लेते थे और वहीं सेटल डाउन हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सी ट्राइब्स ये जो वेस्टर्न रोमन अम्पायर वाला इलाका था यूरोप का, यहाँ पर सेटल करने लगी। जब यहाँ पर सेटल करने लगी तो ये स्लाव जाति की ट्राइब्स थी, जर्मनिक जाति की ट्राइब्स थी, जिन इलाकों में सेटल कर रही थी, इन इलाकों में कोई और इंडिजीनियस जातियाँ थी। तो यहाँ पर इंटर ट्राइबल एसिमिलेशन होने लगा। जो पुरानी पॉपुलेशन थी वो नई पॉपुलेशन जो आ रही थी उसके साथ एसिमिलेट होने लगी। तो बहुत से बदलाव देखने को मिले, भाषा में बदलाव देखने को मिला, जिस प्रकार से राज हो रहा था उस प्रकार से बदलाव देखने को मिला, डेमोग्राफिक में बदलाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस को वो बिलोंग करते हैं, उसमें बदलाव होने लगा, ठीक है। और यहीं पर आप बोलोगे मॉडर्न यूरोपियन नेशंस की नींव पड़ी। कॉमिंगलिंग हुई इन ट्राइब्समैन की, लोकल पॉपुलेशन के साथ जो नए ट्राइब्समैन आए वो मिंगल हो गए, और इसके चलते मॉडर्न यूरोपियन नेशंस का जो आप कह सकते हो ना कि एवोल्यूशन है, वो यहाँ पे शुरुआत हुई। ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है भाई। आगे बात की जाए, अब वेस्टर्न पार्ट की हमने देखी बात, हमने बहुत बेसिक देखा अभी वेस्टर्न पार्ट का, ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, ठीक है।
जो ईस्टर्न पार्ट था आपका ओल्ड रोमन एम्पायर का, उसको आप बोलते हो बाइजेंटीन एम्पायर, और उसकी जो सेंटर थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के शहर को आज के डेट में इस्तांबुल बोला जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है बेसिकली इस्तांबुल, जो वाई येलो रंग का नक्शा दिख रहा है, दिस इज बेसिकली इस्तांबुल। आज की डेट में आप इस्तांबुल देखोगे तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल, अगर आप चले जाओ टर्की में। मॉडर्न डे टर्की में, टर्की की मैक्सिमम का आबादी ये इस्तांबुल के आसपास के इलाके में रहती है, जिसको उस समय पे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। आज की डेट में भी अगर आप बात करो कोई एक ऐसी कंट्री या कोई एक ऐसा शहर जिसको बोला जाए कि वो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, तो बोला जाता है टर्की और इस्तांबुल। चूंकि भाई ये थोड़ा यूरोपियन साइड पे है और थोड़ा एशियन साइड पे, बीच से एक स्ट्रेट निकलती है जिसको बोला जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये कौन से दो समुद्रों को कनेक्ट करती है, कौन से दो सीज को कनेक्ट करती है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का, हमने वेस्टर्न पार्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। जो ईस्टर्न पार्ट था इसको बोला जाता था बाइजेंटीन एम्पायर, और इसमें ईस्टर्न यूरोप का बहुत सा हिस्सा आता था, मॉडर्न डे टर्की पूरा इसमें आता था, सीरिया आता था, नॉर्दर्न अफ्रीका, इजिप्ट। आप इस नक्शे में देखो, इस नक्शे में आपको जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका का हिस्सा दिख रहा है, ये भाई आपका कह सकते हैं कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आता था। ये पूरा का पूरा टर्की, नीचे की तरफ सीरिया, इजिप्ट, ये भाई कहीं ना कहीं आपका कहाँ आ रहा है, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आ रहा है, जिसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है भाई, अब ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसकी कैथोलिक चर्च के साथ नहीं बनती थी। एक्चुअली कैथोलिक चर्च कहाँ पे डोमिनेंट था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में डोमिनेंट था। कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी रोम में, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स थे। लेकिन आप देखो कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर आया, जिसको आपने बाइजेंटीन एम्पायर बोला, ये भी तो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे भी चर्च ही होगा। लेकिन बाइजेंटीन एम्पायर में जो चर्च था उसको बोला गया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है भाई, और इस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और बाइजेंटीन रूलर्स के दम पे ही क्रिश्चियनिटी धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया गया रशिया में, और रशिया की भी एक बड़ी आबादी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। अगर आप बाइजेंटीन एम्पायर की बात करो तो बाइजेंटीन एम्पायर एक बहुत बड़ा और बहुत फ्लोरिशिंग एम्पायर था, बहुत लंबे समय तक इसने एशिया के साथ ट्रेड किया है। आप देखो कि ये जो वेस्ट रोमन एम्पायर था और आपका ईस्ट रोमन एम्पायर था, वेस्ट रोमन एम्पायर बहुत पहले ही टूट गया था। वेस्ट रोमन एम्पायर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया था, ठीक है ना भाई। लेकिन वेस्ट रोमन एम्पायर के टूटने के बहुत बाद तक जो बाइजेंटीन एम्पायर था ये चलता रहा था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था ये कहीं ना कहीं पहले ही खत्म हो गया था। स्लाव जाति और जर्मनिक जाति के लोग आ रहे थे और कहीं ना कहीं जो रोमन रूलर्स थे उनको उखाड़ के बाहर फेंकने लगे वेस्टर्न रोमन एम्पायर से। लेकिन ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो बाइजेंटीन एम्पायर था, ये बाइजेंटीन एम्पायर बहुत लंबे समय तक चला है। इस बाइजेंटीन एम्पायर ने एशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। इस बाइजेंटीन एम्पायर के सामने अरब रूलर्स एक चैलेंज की तरह आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब तक ये बाइजेंटीन एम्पायर राज में रहा तब तक भाई कहीं ना कहीं इस बाइजेंटीन एम्पायर में बहुत सारे नए ट्रेडिशंस डेवलप हुए। आप देखो कि धीरे धीरे बाइजेंटीन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों पर अरब्स का कंट्रोल आ रहा था। अरब्स ने पहले सीरिया पे कब्जा किया, फिर अरब्स ने धीरे धीरे इजिप्ट पे कब्जा किया। ऐसा नहीं है कि अरब्स ने बाइजेंटीन एम्पायर या फिर कह लीजिए ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसके ऊपर एक दिन में कब्जा जमा लिया, नहीं। अरब्स को पूरा का पूरा बाइजेंटीन एम्पायर को हराने में, ये ईस्टर्न रोमन रूलर्स को हराने में काफ़ी साल लग गए। तो पहले सीरिया पे कब्जा किया, फिर इजिप्ट पे कब्जा किया। तो इन ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाले रूलर्स ने जो अरब्स के छोटे छोटे ट्रेड्स थे ना, कल्चरल ट्रेड्स, उनको भी एसिमिलेट करना शुरू किया। आप कह सकते हो कि जो बाइजेंटीन एम्पायर था, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, इसने एक ब्रिज की तरह काम किया बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन। जो ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की और जो अरब वर्ल्ड था, इसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम किया किसने, बाइजेंटीन एम्पायर ने। लेकिन आप देखोगे कि 15th सेंचुरी के आधे में आते आते बाइजेंटीन एम्पायर खत्म हो गया, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह है जिसको प्रेजेंट डे इस्तांबुल बोलते हैं, यहाँ पे अरब टर्क्स ने आके कब्जा कर लिया और कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि पहले बाइजेंटीन एम्पायर की आइकॉनिक कैपिटल हुआ करती थी, वो टर्क्स के हाथ में चली गई, वो अरब रूलर्स के हाथ में चली गई। अरब रूलर्स के हाथ में हम लोग बाद में बहुत इत्मीनान से अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आप ये देखो कि
जो कोलैप्स हुआ रोमन एम्पायर का वेस्ट में, ठीक है भाई, जब रोमन एम्पायर का वेस्ट में कोलैप्स हुआ, एकदम से सिटीज गायब हो गई। देखिए सिटीज कौन से बेसिस पे फलती फूलती हैं? आज के डेट में तो आप देखो जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, स्टॉक मार्केट्स में डीलिंग होती है, आज की डेट में ट्रेड के पैमाने बदल गए हैं। लेकिन अगर आप 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में चले जाओ मिडवेल इंडिया की या मिडवेल वर्ल्ड की, उस समय पे बहुत प्रिमिटिव तरीके से ट्रेड हुआ करता था, बहुत पुराने दकियानूसी तरीके चलते थे और ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। कोई भी एक शहर कितना इम्पॉर्टेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता था कि वो शहर कितना बड़ा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेंटर है, उस शहर का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कितना मेजर रोल है। आज की डेट में जो मुंबई शहर है हमारे देश का, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुंबई शहर में हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, मुंबई का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है मुंबई में, इन इंडस्ट्रीज को अपना सामान देश के बाहर एक्सपोर्ट करना आसान होता है, सामान देश के अंदर इम्पोर्ट करना आसान होता है, तो इन सब फैक्टर्स के चलते मुंबई इतना बड़ा शहर है। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो क्या मुंबई शहर का कोई मतलब रह जाएगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं लग जाएगा। एक शहर कितना ज़रूरी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरा, स्लाव और जर्मनिक जाति के लोग ट्राइब्स में आके वहाँ पे तरखाट मचाने लगे और वेस्टर्न रोमन रूलर्स का राज चला गया, उसके बाद से वेस्टर्न यूरोप की जो भी इंपॉर्टेंट शहर थे एकदम से गायब हो गए। क्योंकि पहले क्या थे, इन वेस्टर्न रोमन रूलर्स की चलती थी, ये अफ्रीका से सोना लेके आते थे और उस सोना को एक्सचेंज करके ओरिएंट के साथ ये ट्रेड करते थे। ओरिएंट क्या है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ने वाली जो कंट्रीज उनको ओरिएंट बोला गया, कभी कभी ईस्ट एशिया को ओरिएंट बोला जाता है, तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान का प्रेजेंट डे इलाका हो गया, अफगानिस्तान, पीछे की तरफ इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इस टाइप की जगहों पर चले जाइए, तो ये ईस्ट हो गया, इसको बोला जाता है ओरिएंट। तो ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के जो रूलर्स थे वो इस ओरिएंट के साथ जो भी ट्रेड करते थे उसमें वो गोल्ड को इस्तेमाल करते थे, तो ये गोल्ड अफ्रीका से लीटा हुआ था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वेस्टर्न रोमन एम्परर्स का राज चला गया तो कहीं ना कहीं अब एक डार्क एज की स्थिति आएगी। 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच का जो समय है ना, इसको बोला गया है डार्क एज। देखिए यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। For centuries after the collapse of the Roman Empire in the West, the cities virtually disappeared in the Western Europe. One cause of this was the absence of gold, which the Romans had obtained from Africa and used for trade with the Orient. यही बात मैंने आपको बताई। 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड है इसको डार्क एज कहा गया है, क्योंकि इस समय में वेस्टर्न, आप कह सकते हो रोमन एम्पायर में, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इस टाइम पीरियड में अगर कुछ हो रहा था तो वो था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इन जगहों पर रहने वाले जो लोग थे वो अपने आप को एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ट्रेड वगैरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे भी बंद हो गई थी। 10वीं शताब्दी के बाद चीज़ें थोड़ा सुधरनी शुरू होंगी। 10वीं शताब्दी के बाद इन इलाकों का फॉरेन ट्रेड शुरू होगा और 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी आते आते वेस्टर्न यूरोप में फिर से एक हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू होगी। ये हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी वेस्टर्न रोमन एम्पायर के समय पे देखने को मिली थी, फिर 6वीं शताब्दी के लगभग पे स्लाव और जर्मन जाति के लोग आ गए जिन्होंने वेस्टर्न रोमन रूलर्स को भगा दिया या उनके राज को उखाड़ फेंका। फिर 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी का जो समय है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, या फिर वेस्टर्न यूरोप का बोल लीजिए, ठीक है, वहाँ पर डार्क एज आ गई, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बस एक चीज़ हो रही थी और वो था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूरोप में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी। अच्छा, इस समय पे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला जो इलाका था ना यूरोप का, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई, यहाँ पे कुछ टाउन्स ग्रो हुए, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज सेटअप करी करी जाने लगी, बड़े बड़े स्कूल्स बड़े बड़े सिटीज़ में। और ये सब जो तरीके होते, ये सब जो फैक्टर्स हैं ना, दीज आर आप कह सकते हो साइंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसे पडुआ नाम का जो शहर है, मिलान नाम का जो शहर था इटली में, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और कहीं ना कहीं इन यूनिवर्सिटीज़ ने इन जगहों की ग्रोथ पे ध्यान दिया, इन जगहों पे नए लर्निंग आस्पेक्ट्स को डेवलप किया, नए आइडियाज़ यहाँ पे डेवलप हुए और बाद में आप देखोगे कि रेनेसा आया। बेसिकली ये जो मॉडर्नाइजेशन वाला मैकेनिज्म था, इसने लोगों को क्रिटिकली सोचने पे मजबूर किया और जब लोग क्रिटिकली सोचेंगे तो जो करंट ऑर्थोडॉक्सी वाले एलिमेंट्स हैं, जो करंट आप कह सकते हो कि दकियानुसी सोच है, जो दकियानुसी ख्याल आते, उसको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे लोगों ने और यही रेनेसा में होना शुरू किया, एक नए यूरोप की यहाँ पे शुरुआत सी होनी शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे हम लोग
एक और चीज को समझेंगे जो कि है फ्यूडलिज्म। व्हाट वाज एक्चुअली फ्यूडलिज्म? देखिए, अ न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोज इन वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। वो छठवीं और सातवीं शताब्दी के लगभग, जब ये स्लाव जाति के और जर्मनिक जाति के लोग आके जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के रूलर्स को खदेड़ देंगे, तो उसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर में छठी से लेकर दसवीं शताब्दी तक कोई राजा नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पे एक भावना ग्रो करेगी जिसको बोला गया है फ्यूडलिज्म। इस फ्यूडलिज्म नाम का जो शब्द है ये फ्यूडम से निकल के आता है, ठीक है। फ्यूडम की स्पेलिंग है FEUDUM, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FEUDUM। इस फ्यूडम को आप फीफ भी बोलते हो, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे कि भाई ये फीफ क्या होता है, इसको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, फ्यूडलिज्म वॉज द मिडिवल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट प्रिडेटिंग द बर्थ ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट। आज की डेट में जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स आपको नजर आते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इससे पहले जो मिडिवल एरा में जो आप कह सकते हो नोशन ऑफ गवर्नमेंट था, वो फ्यूडलिज्म था। फ्यूडल सोसाइटी में एक मिलिट्री हायरार्की होती है, एक रूलर होता है, उसके नीचे बहुत सारे लॉर्ड्स होते हैं, वो लॉर्ड्स बहुत सारे माउंटेड फाइटर्स को कमांड करते हैं। इन लॉर्ड्स के अंदर एक लैंड होता है कंट्रोल करने के लिए, उस लैंड से आने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ हद तक वो लॉर्ड अपने राजा को दे देगा और कुछ हद तक अपने पास रखेगा, और जो भी पैसा वो अपने पास रखेगा उसके बदले में वो राजा को एक मिलिट्री सर्विस देगा। ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको फ्यूडलिज्म क्या होता है ये बताया है। बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब हुआ ये कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर्स चले गए, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूट गया, आपको पता है बहुत सारे ट्राइबल मैन आ गए, वो लोकल लोगों के साथ असिमिलेट होने लगे। आपको एक सेंट्रलाइज्ड राजा तो है नहीं, तो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग राजा उठना शुरू करेंगे जिनको आप बोल सकते हो चीफ। तो किसी एक इलाके में एक ट्राइब का जो रूलर है वो एक छोटे से इलाके में बहुत डोमिनेंट है, उस छोटे से इलाके में उसकी चलती है। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर था तो वेस्टर्न एम्पायर रोमन एम्पायर के राजा की चलती थी, लेकिन अब वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के राजा का राज चला गया, अब राज किसका आ गया है? अब राज आ गया है लोकल एरिया वाइज। तो छोटे छोटे इलाकों में जिन फीफ्स की, जिन चीफ मिलिट्री चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स की चलती थी, वो उस इलाके में कंट्रोल करने लगे। उनकी अपनी छोटी सी मिलिट्री फॉलोइंग थी, बड़े बड़े लैंड वाले इलाके में उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। तो पावरफुल फ्यूडल चीफ्स यहाँ पे निकल के आए, ठीक है, छोटे मोटे, जिनका अपने अपने इलाके में बहुत कंट्रोल था। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये सारे फ्यूडल चीफ्स की ताकत बराबर नहीं होगी, हो सकता है कि इसके बीच में कोई एक ऐसा फ्यूडल चीफ निकल के आएगा जो बाकी फ्यूडल चीफ से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे इनमें से कोई एक ऐसा फ्यूडल चीफ निकलेगा जो अपने इलाके में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो मोनार्की को डेवलप करने की कोशिश करेगा और दूसरे चीफ्स की ताकत को डेवलप करने की, मतलब कम करने की कोशिश करेगा। होता ये था, देखिए, ये जो अलग अलग लोकलाइज्ड लेवल पे जो रूलर्स थे जिनको आप बोलते हो फ्यूडल चीफ्स, ये अपने अपने इलाके में डोमिनेंट थे। और जब ये अपने अपने इलाके में डोमिनेंट थे तो ऐसा तो है नहीं कि ये संत महात्मा हो जाएंगे, इनको दूसरे की चीज़ हथियाने का बड़ा शौक रहेगा। मिडिवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में यही तो ट्रेंड देखा गया है कि एक इंसान के पास जो है वो अपने से खुश नहीं, वो दूसरे के राज पर अटैक करके उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो यही फ्यूडल चीफ्स के अंदर भी था। तो एक फ्यूडल चीफ अपने इलाके में जो कंट्रोल है उससे खुश नहीं, तो दूसरे के इलाके में कंट्रोल करके उस तरह चीज़ें खींचना चाहेगा। तो इसके चक्कर में हमेशा एनार्की फैली रहती थी, हमेशा ये आपस में लड़ते ही रहते थे, हमेशा स्टेट ऑफ सोशल एनार्की होती थी। एक फ्यूडल चीफ कभी ना कभी किसी दूसरे फ्यूडल चीफ के इलाके में अटैक ही करता रहता था। तो हुआ ये कि इन फ्यूडल चीफ्स में जो सबसे ताकतवर फ्यूडल चीफ था वो अपनी मोनार्की को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा और बाकी फ्यूडल चीफ्स को ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल फ्यूडल चीफ जो कि ताकतवर है, वो कितना भी ताकतवर हो, सारे बाकी फ्यूडल चीफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक मिडिल अरेंजमेंट की ज़रूरत है। इस मिडिल अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये जो सोशल एनार्की फैली है, कोई एक फ्यूडल चीफ हर समय पे दूसरे फ्यूडल चीफ से लड़ रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो सबसे ताकतवर फ्यूडल चीफ है वो किसकी तरह उभरेगा? वो किंग की तरह उभरेगा। और ये किंग क्या करेगा? ये किंग अलग अलग लैंड को बाकी फ्यूडल चीफ्स में बांट देगा और उनसे बोलेगा कि ये जो लैंड है ना, ये मेरा है, लेकिन तुम ये अपने कंट्रोल में रखो, तुम मेरे वैसल हो। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई एक राजा हो गया, उसके बहुत सारे प्रिंस हो गए, और वो प्रिंस उस राजा को रिपोर्ट करते हैं, वो जो लैंड है वो उन प्रिंस के कंट्रोल के अंदर में है। उस लैंड से जो भी पैसा निकलेगा वो प्रिंस थोड़ा बहुत राजा को दे देगा और बाकी पैसा वो प्रिंस अपने लिए रख लेगा। पर्टिकुलरली जो भी लैंड उस प्रिंस को अलॉट किया गया है, उस लैंड में वो प्रिंस ही राजा है।
बट सबसे बड़ा राजा कौन है? किंग है। तो ये बहुत सारे जो फ्यूडल चीफ्स बने थे, इन फ्यूडल चीफ्स में से एक फ्यूडल चीफ स्ट्रांग होकर राजा बन जाएगा और बाकी फ्यूडल चीफ्स में वो लैंड का एलोकेशन करेगा। एलोकेशन कुछ अलग से नहीं किया, पहले से उन फ्यूडल चीफ्स के अंदर जो लैंड थे वो बोल दिया कि ये तुम्हारे हैं, तुम थोड़ा बहुत टैक्स का पैसा मेरे पास भिजवाओगे, बाकी पैसा तुम अपने पास रखोगे, लेकिन तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे होगी। देखिए, और द इंडिविजुअल हु एक्सेप्टेड दिस लैंड बिकेम अ वेसल एंड द मैन हु ग्रांटेड द लैंड बिकेम नोन एज द लीज और द लॉर्ड। The deal was often sealed by swearing oaths on the Bible or on the relic of saints. आपको पता है कि भाई कैथोलिक चर्च की सोसाइटी है, तो यहाँ पे बाइबल पे ओथ खिलाई जाती थी। तो जो सबसे बड़ा फ्यूचर चीफ होगा, जो सबसे बड़ा ताकतवर राजा होगा, वो बाकी छोटे छोटे फ्यूडल चीफ्स को बाइबल पे कसम खिलाएगा कि तुम मेरे बिहाफ पे ये लैंड अपने पास रख रहे हो। ये जो छोटे छोटे आप कह सकते हो फ्यूडल चीफ हैं, ये अपने नीचे, चूंकि इनके अंदर भी जो इलाका होता था वो बहुत बड़ा होता था, तो एक आदमी इतने बड़े इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अपने अंदर ही छोटे छोटे सब चीफ अपॉइंट कर देते थे। इन सब चीफ को ये वैसल कसम खिलाता था कि भाई तुम अपनी लॉयल्टी मुझे सोर करोगे। समझ गए आप बात को? तो यहाँ पे सोसाइटी धीरे धीरे, इस सोसाइटी में एक राजा डोमिनेंट हुआ। अब वो राजा सब कुछ अपने कंट्रोल के अंदर नहीं रह सकता, तो उसने अलग अलग फ्यूडल चीफ्स को लैंड बांटा है। एक फ्यूडल चीफ ने अपने अंदर जो बड़ा इलाका उसको और छोटे छोटे सोशल चीफ में बांट दिया। तो एक हायरार्की सी बन गई चीफों की, सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे फ्यूडल चीफ्स, उसके नीचे उससे छोटे छोटे फ्यूडल चीफ्स, और वो सब एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हर एक सब चीफ को एक लैंड एलोकेट किया गया है, उस लैंड में वो राज करता है, उस लैंड से जो थोड़ा पैसा आता है वो अपने ऊपर वाले चीफ को देता है, अपने ऊपर वाला चीफ अपने ऊपर वाले चीफ को देता है। अब यहाँ पे अगर कोई डिसलॉयल वेसल निकल जाता है, कोई डिसलॉयल सब चीफ निकल जाता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा चीफ है जो किंग की बात नहीं सुन रहा है या अपने लैंड लॉर्ड की बात नहीं सुन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको डिसमिस करना पड़ेगा। देखिए, फ्यूडलिज्म को आप एज अ सिस्टम नहीं हटा सकते, लेकिन जब भाई एक राजा का राज हो गया है, उसके नीचे बहुत सारे ट्राइबल चीफ हैं, ऑलरेडी सोसाइटी की हायरार्की बनी हुई है और आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं कि आप इस हिसाब से काम करोगे, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, हालांकि ये एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता था। प्लस यहाँ पे फ्यूडलिज्म में एक और चीज़ें हुई, धीरे धीरे जो सोसाइटी थी ना, ये भाई हेरिडिटरी होती गई। हेरिडिटरी मतलब किंग का बेटा ही किंग बनेगा, फ्यूडल चीफ का बेटा ही फ्यूडल चीफ बनेगा, उस फ्यूडल चीफ के अंदर जो भी वेसल्स या सब चीफ काम कर रहे हैं उन सब चीफ का बेटा ही सब चीफ बनेगा, और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कोई बाहर वाला आदमी इनके फोल्ड में ना आ जाए। तो मतलब ये क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी बनाने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लीडरशिप वाला ग्रुप होता है, जो लीड करते हैं, ये लोग एरिस्टोक्रेसी को, इंपॉर्टेंट पोजिशन को, इंपॉर्टेंट प्लेसेस अथॉरिटी को अपने अंदर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट कभी भी क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी नहीं हुई, टैलेंटेड लोगों के लिए हमेशा जगह होती है। तो भाई समय समय पाने पे एक डिसलॉयल लोग वेसल को दूसरे टैलेंटेड वेसल से रिप्लेस करना, ये भी आम बात हो गई इस सिस्टम में। प्लस यहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था ना, इसमें दो और एलिमेंट्स निकल के आ गए। एक एलिमेंट था सर्फडम। यहाँ पे सर्फ का मतलब क्या होता है? सर्फ का मतलब होता है पीजेंट, सर्फ का मतलब होता है किसान। ठीक है भाई, तो ये किसान फ्री भी हो सकता है, ये किसान हो सकता है कि किसी वेसल के साथ उसने अपना आपको एफिलिएट करके रखा हो। अब मान लीजिए सर्फ है, एक किसान है, वो किसान के पास अपनी जमीन की ओनरशिप है, वो अपनी जमीन पे काम करता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक सर्फ को अपने आप को किसी फ्यूडल लॉर्ड के साथ एसोसिएट करना पड़ता था। एक्चुअली में उस समय पे इतनी ज़्यादा एनार्की थी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि एक किसान को ये पता ही नहीं चलता था कि कब उसके ज़मीन पर अटैक हो जाएगा। होता है ना कि जब आप कमज़ोर हो तो आपको कमज़ोर होने के नाते किसी ताकतवर इंसान से रिश्ता बना के रखना पड़ता है ताकि वो ताकतवर इंसान तुमको तुम्हारे बुरे समय में बचा ले। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। जो छोटे छोटे इंडिविजुअल ओनर्स थे एग्रीकल्चर फील्ड के, उनको हमेशा ये डर ही लगता था कि हमारे फील्ड पे कब अटैक हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी लॉर्ड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते थे, किसी फीफ के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लेते थे, किसी मास्टर के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते थे। लेकिन जब वो किसी लॉर्ड के साथ, किसी मास्टर के साथ अपने आप को एसोसिएट करते थे, फिर उनको अपने मास्टर्स की बात माननी पड़ती थी, फिर वो अपने मास्टर्स के कहे बिना अपना एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं बदल सकते, वो मास्टर्स को कहे बिना अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, वो मास्टर्स को कहे बिना अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। यहाँ पे एक मैनर सिस्टम भी डेवलप हुआ। अब आप बोलोगे मैनर सिस्टम क्या? देखिए, इस प्रकार का मैनर सिस्टम इंडिया में नहीं था। उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में क्या होता था कि बड़े बड़े कैसल जैसे घर हुआ करते थे, वो मैनर था, और उस घर में एक लैंडलॉर्ड रहता था, और उस कैसल के आसपास का बहुत बड़ा इलाका उस लैंडलॉर्ड के कंट्रोल में होता था, और उस बहुत बड़े इलाके में वो लोगों को एम्प्लॉय करता था काम करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता था कि एग्रीकल्चर लोन जिनके पास, एग्रीकल्चर लैंड जिन पीजेंट्स के पास होता था, जिसको आप सर्फ बोलते हो, वो पीजेंट्स अपने आप को इस मैनर के लैंडलॉर्ड के साथ एसोसिएट कर लेते थे, और ये पीजेंट्स बोलते थे कि माय बाप
मैं अपने जमीन में तो काम कर ही रहा हूं, मुझे जब मौका मिलेगा मैं आपकी जमीन में भी आके काम कर दूंगा, और आप जो मुझसे दूसरा काम बोलोगे मैं वो भी करूंगा, मेरे ऊपर कोई अटैक आए तो आप मुझे बचा लेना। चूंकि एनआरकी का समय था, कभी भी दो ट्राइबल चीफ्स की लड़ाई में इनकी जमीन पर अटैक हो सकता था, इन किसानों की जमीन पर, तो इन किसानों को अपने आप को किसी ना किसी एक लॉर्ड के साथ जोड़ना पड़ता था। चूंकि इन किसानों को पता था कि किसी एक लॉर्ड के साथ अगर अपने आप को जोड़ लेंगे तो हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारा लॉर्ड हमको बचा लेगा। तो मैनर सिस्टम चलता था उस समय पर। मैनर मतलब एक बहुत बड़ा घर, एक बहुत बड़ा कैसल जिसमें एक लॉर्ड रहता है और उस लॉर्ड की बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, उन बड़ी ज़मीनों में ये जो सर्फ हैं समय आने पे काम कर देंगे। ठीक है भाई, तो जो छोटे छोटे सर्फ हैं, किसान हैं, ओके, ये किसी ना किसी बड़े लॉर्ड के साथ अपने बना के रखते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो सर्फ्स हैं ये लॉर्ड को आंसरेबल होते थे, इनको लॉर्ड की बात माननी पड़ती थी, लॉर्ड इनको जो भी काम देता था इन सर्फ को करना पड़ता था, सर्फ की ज़मीन पर जो भी पैदावार होती थी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा इनको लॉर्ड को देना पड़ता था। क्योंकि लॉर्ड से सिक्योरिटी ले रहे हो तो उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। फिर इस मैनर के पास, इस लैंड लॉर्ड के पास कुछ और ताकतें भी थी। मान लो किन्हीं दो किसानों में लड़ाई हो गई, पीजेंट्स में लड़ाई हो गई, तो अब लड़ाई का एडजुडिकेशन कौन करेगा, लड़ाई में जज का रोल कौन प्ले करेगा? तो जज का रोल लैंड लॉर्ड प्ले करेगा, क्योंकि उस समय पे कोई पुलिस और जुडिशरी तो थी नहीं, लॉलेसनेस का जमाना था। तो ऐसे समय में आपके माई बाप कौन है? आपके माई बाप आपके मैनर, लैंड लॉर्ड, जो भी आपके फ्यूडल सोसाइटी के हेड हैं वो है। समझ गया बात को? ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। फ्यूडलिज्म में सर्फडम और मैनर सिस्टम यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरोप में ये जो मैनर सिस्टम था, बड़े बड़े कैसल्स, बड़े बड़े घरों के राजा, ये सिस्टम इंपॉर्टेंट था, सर्फडम वाला सिस्टम इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया है कि सर्फडम और मैनर सिस्टम सीधे सीधे इंडिया में नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में एक बहुत बड़ा घर है और उस घर के आसपास की पूरी ज़मीन उस पर्टिकुलर पर्सन की, और वहाँ पे जो किसान है वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। कुछ इस प्रकार का सिस्टम देखने को जरूर मिला है सामंत के सिस्टम में, हमारे ज़मींदारी के सिस्टम में, बट एग्जैक्टली सेम सिस्टम यूरोप वाला नहीं है। हालांकि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज़ के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। जिस प्रकार से मैनर सिस्टम में और सर्वडव सिस्टम में जो पीजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंडेंट थे, कुछ उसी प्रकार से हमारे जो किसान थे वो ज़मींदारों पे डिपेंडेंट थे। ज़मींदार को जब मिलता था वो हमारे किसान की ज़मीन छीन लेता था। कुछ कुछ ऐसा ही वेस्टर्न यूरोप में भी उस समय पे होता था। ठीक है, तो पीजेंट्री ना इंडिया में कभी फ्री थी फ्यूडलिज्म के अंदर, और ना ही यूरोप में फ्री थी कभी फ्यूडलिज्म के अंदर। हाँ, पीजेंट्री किस हद तक परेशान थी, पीजेंट्री के पास किस हद तक राइट्स थे, ये प्लेस बाय प्लेस वेरी कर सकता है। इंडिया में फ्यूडलिज्म के अंदर हमारे पीजेंट्री को, किसान को काफ़ी परेशान किया, यूरोप में हो सकता है उतना ना परेशान किया गया। जगह टू जगह डिपेंड करता है। देखिए, कोई भी पीजेंट पूरी तरीके से फ्री नहीं था। ठीक है, उस पीजेंट को किसी ना किसी तरीके से अपने लॉर्ड की बात माननी थी, लेकिन उसको किस हद तक लॉर्ड की बात माननी थी और किस हद तक लॉर्ड की गुलामी करनी थी, ये जगह टू जगह वेरी करता था। इंडिया भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग था, यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के, वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाले इलाकों में भी अलग अलग जगह पे ये अलग अलग था। समझ गया बात को? ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर फ्यूडल सिस्टम का एक और यहाँ पे आप कह सकते हो फेसेट था, वो था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस फिगर में देखिए फ्यूडल सिस्टम का एक काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। फ्यूडल सिस्टम में सबसे ऊपर किंग्स नज़र आ रहे हैं, उनके नीचे नॉबल्स नज़र आ रहे हैं, उनके नीचे नाइट्स नज़र आ रहे हैं, उनके नीचे पीजेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई किंग्स ने ज़मीनों को नॉबल्स में बांटा, नॉबल्स ने अपनी अपनी ज़मीनों को अलग अलग नाइट्स में बांटा। इन नाइट्स का आप समझ सकते हो मिलिट्री आर्मर दिख रहा है, मतलब ये अपनी मिलिट्री मेंटेन करके रखते थे और यही नाइट्स नीचे पीजेंट्स को प्रोटेक्शन देते थे। तो हर पीजेंट अपने आप को किसी ना किसी नाइट के साथ एसोसिएट करके रखता था। अब आप बात करो फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप की, मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर का राज था। यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम किस प्रकार से काम करता था? देखिए, जो सबसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था वो था आर्मर्ड नाइट ऑन हॉर्सबैक, यानी घोड़े पे घुड़सवार चढ़ के आता था और उस घुड़सवार ने एक मिलिट्री ड्रेस पहन रखी थी। वो मिलिट्री ड्रेस में हेमलेट, स्टील के कपड़े, ये सब थे ताकि उनके ऊपर तलवारें पड़े तो उनको चोट ना लगे। तो आर्मर्ड नाइट, नाइट मतलब एक सोल्जर घोड़े पे बैठ के आ रहा है, इस प्रकार का कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। कैवेलरी वॉरफेयर, कैवेलरी वॉरफेयर मतलब कि घुड़सवार पे लोग बहुत सारे चढ़ के जा रहे हैं और जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखो ये कैवेलरी वॉरफेयर वाला सिस्टम यूरोप में कब आया? ऐसा बोला गया कि 8वीं शताब्दी में आया। इनिशियली जब रोमन एम्पायर था वेस्टर्न यूरोप में, तो ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, मैंने आपको बताया रोमन एम्पायर दो टाइप का, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में राजाओं के पास जो सेना थी वो सेना इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री पता है क्या होती है? इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलती है, ओके, उसको बोला था इन्फेंट्री। अब उस समय पर बंदूकें तो थी नहीं, तो इन्फेंट्री तलवारें लेके चलती थी। ठीक है भाई,
तो इन्फेंट्री के पास या तो स्पीयर होगा या छोटी छोटी तलवारें होंगी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आप सोचो कि भाई अगर अरब सारे और अरब्स के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, एक पर्सन घुड़सवार ऐसे जा रहा है लड़ने के लिए और एक पैदल चल के आ रहा है छोटी सी तलवार लेके, तो ये घुड़सवार वाला जीतेगा या छोटी सी तलवार वाला जीतेगा? ऑब्वियस ही बात है घुड़सवार जीतेगा, क्योंकि घुड़सवार एक घोड़े पर चढ़ा हुआ है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, दूसरी बात घोड़े पर चढ़ने की वजह से उसकी हाइट ज़्यादा है, तो नीचे पैदल चलने वाला आदमी उससे कभी नहीं जीत पाएगा। तो धीरे धीरे ये जो वेस्टर्न रोमन अंपायर वाले जो राजा थे, इनको समझ में आया कि भाई ये जो इन्फेंट्री है ये चल नहीं पाएगी, हमको कैवलरी लानी पड़ेगी। समझ गया बात को? इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सैनिक, कैवलरी मतलब घोड़े पे चलने वाले सैनिक। तो ये घोड़े पे चलने वाले सैनिक के दम पे हम जीत सकते हैं, इन्फेंट्री अपने हाथों में तलवार लेके चले कुछ हो नहीं पाएगा। वेस्टर्न रोमन अंपायर की आर्मी में होता क्या था कि घोड़े होते थे बट वो घोड़े चैरियट्स को खींचते थे। एक चैरियट ऐसा होगा उस पर घोड़ा आगे बांध दिया जाएगा और वो घोड़ा इस चैरियट को खींचेगा, उस चैरियट में रॉयल लोग बैठा करते थे, जो सैनिक थे वो पैदल चलते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि भाई जब अरब्स आए, अरब घोड़े पर सवारी करते हुए आए, तो इनको समझ में आ गया कि हम अरब से जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इन्फेंट्री को कैवलरी में बदलना शुरू किया। बाद में तो रोमन अंपायर ख़त्म ही हो गया, जो ट्राइब्समैन थे वो भी अरब मोड ऑफ फाइटिंग को देख रहे थे। तो यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन्फेंट्री वाला ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चल पाएगा, हमको कैवलरी चाहिए। लेकिन क्या किसी एक सेंट्रलाइज्ड राजा के पास इतना पैसा है कि वो कैवलरी को मेंटेन कर सके, इतने सारे घोड़ों को मेंटेन कर सके, घोड़सवारों को मेंटेन कर सके, उनके हथियारों को मेंटेन कर सके? यहाँ पे फ्यूडलिज्म का सिस्टम और इम्पॉर्टेंट हो गया। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि उस समय पे जो कैवलरी थी, ये मॉडर्न मोड ऑफ वॉरफेयर था, इसको एक राजा अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी एक राजा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। मतलब वो राजा अपने फी होल्डर्स पे, उस राजा ने जिसको भी अपने लैंड सबलेट किए हैं, ठीक है ना, फी फोल्डर्स पे डिपेंडेंट था मिलिट्री सर्विसेज के लिए। मतलब एक किंग अपने नॉबल्स को फीफ दे रहा है, ये नॉबल्स नाइट्स को फीफ्स दे रहे हैं, इन नाइट्स के पास घोड़े हैं और घोड़ों को चलाने वाले घुड़सवार हैं। तो कल की डेट में अगर इस राजा के राज पे कोई अटैक होता है तो राजा अपने नाइट्स को बोलेगा कि भाई ले आओ अपने घुड़सवार और अपने घोड़े और लड़ो यहाँ पे। इस राजा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अलग से घुड़सवार और घोड़े अफोर्ड कर पाए, इसलिए फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में ये जो फीफ वाला सिस्टम है और इम्पॉर्टेंट हो गया। क्योंकि इन्फेंट्री से काम चलेगा नहीं, आपको कैवलरी मेंटेन करनी है, और कैवलरी बिना फीफ्स के, बिना इस फ्यूडलिज्म के सिस्टम के आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कैवलरी वॉरफेयर के चलते भी भाई जो फीफ्स के ऊपर डिपेंडेंस थी वो बढ़ गई, ठीक है भाई, किंग की सर्विस में इन्फेंट्री से काम चलने वाला है नहीं, घोड़सवार चाहिए, कैवलरी चाहिए, और वो कैवलरी इनके फीफ्स ही जो इनके फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। प्लस यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए। आप कभी अगर आपने घुड़सवारी करी हो, ठीक है, तो घुड़सवारी में जब आप घोड़े पे बैठते हो तो मान लीजिए ये घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर एक पट्टा पड़ा होता है यहाँ पे, और नीचे दोनों तरफ घोड़े के दो आयरन की इस टाइप की रॉड्स तैरती हैं और इसमें आप अपना पैर फंसा लेते हो। तो जब आप इसमें पैर फंसा के घुड़सवारी करोगे तो आप जल्दी घोड़े पर से गिरोगे नहीं, मान लीजिए अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट आता भी है। पहले क्या था कि घोड़े पे बैठने पे केवल एक टो होल्ड होता था, आपका अंगूठा, पैर का अंगूठा उसमें फंसता था, लेकिन अब पूरा का पूरा आयरन स्टिरअप आ गया, जिसके चलते जो भी घुड़सवार उस घोड़े पे बैठा है वो इम्पैक्ट के चलते जल्दी गिरेगा नहीं। दूसरी बात, अब एक नया प्रकार का हार्नेस बनाया गया था। जब भी घोड़े चलते हैं ना जंगों में तो वो बहुत सारे कार्ट्स को, बहुत सारे वजन को खींचते हुए चलते हैं, तो ये जो हार्नेस था इसमें कुछ इस प्रकार की साइंस इन्वॉल्व थी कि घोड़े पहले अगर 5 किलो लेके चल रहे हैं तो अब वो 10 किलो लेके चल सकते थे उतनी ही ताकत के साथ। तो ये जो कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस थे उसके चलते भी ऐसा बोला गया कि भाई मॉडर्न वॉरफेयर में घोड़ों का लोगों को लेके चलने की कैपेबिलिटी और लोगों की और स्टेडफास्टली घोड़ों पर बैठने की कैपेबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई थी। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों इन्वेंशन थे, घोड़ों में जो हार्नेस का इन्वेंशन था और आयरन स्टिरप्स का इन्वेंशन था, ये ईस्ट एशिया से आया था। इस प्रकार के जो मॉडर्न चेंजेस थे इंडिया में 10वीं शताब्दी को देखने को मिले। समझ गए? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूडलिज्म की ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर प्रकार के फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो किंग्स थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट ही होते जा रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर जो किंग्स की डिपेंडेंस थी वो बढ़ रही थी। ओके, फिर फ्यूडलिज्म की मिडिल सोसाइटी पे और भी बहुत से इफेक्ट थे। देखिए, फ्यूडलिज्म के चलते कभी भी एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं आ सकती है। यूनिफाइड गवर्नमेंट में होता क्या कि एक किंग बहुत ताकतवर होता है,
लेकिन यहाँ पे एक किम बहुत सारे इंडिविजुअल लॉर्ड्स में अपने लैंड्स को बांट रहा है, ये इंडिविजुअल लॉर्ड्स अपने अपने लैंड्स को बहुत सारे और छोटे मोटे रूलर्स और नाइट्स में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे सब डिवीजन हो रहा है पावर का और बहुत सारे छोटे छोटे फीफ्स इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक ये फीफ्स लॉयल रहेंगे अपने किंग की तरफ तब तक ही वो किंग पावरफुल है। तो किंग हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि ये जो मेरे फीफ्स हैं ये मेरे प्रति रॉयल रहे। तो किंग कभी भी एक ऐसा स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकता जहाँ पे किंग इन अपने फीफ्स को नाराज कर दे। अगर फीफ्स को नाराज कर दिया तो बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी टूट सकते हैं। ठीक है, समझ गया आपको बात को। फिर ये जो बॉन्ड्स ऑफ लॉयल्टी थे वो इतने ज़्यादा एक समय पे कॉम्प्लेक्स हो गए थे कि एक सिंगल नाइट हो सकता है कि उसने दो अलग अलग ड्यूक्स और अलग अलग बैरन्स को अपना एलिजियंस दिया हो और वो अलग अलग ड्यूक्स और बैरन्स आपस में ही लड़ रहे हो। फ्यूडलिज्म का सिस्टम एक समय पे वेस्टर्न यूरोप में वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाले इलाके में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, यूरोप में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि भाई किंग ने नीचे बहुत सारे ड्यूक्स को पावर दी, ड्यूक्स ने बहुत सारे लॉर्ड्स को पावर दी। अब बहुत सारे लॉर्ड हो गए, अब एक कोई ऐसा नाइट है, एक कोई ऐसा मिलिट्री लीडर है जिसने एलिजियंस प्लेज किया है दो अलग अलग लॉर्ड के साथ, वो दोनों लॉर्ड ही आपस में लड़ रहे हैं। तो समझे वो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रहा है। तो किंग का एक छत्र राज नहीं था, हमारे यहाँ पे अकबर जैसे राजाओं का एक छत्र राज था, हालांकि वो भी एक फ्यूडल सोसाइटी थी, बट उस फ्यूडल सोसाइटी में अकबर इस हद तक अपने सामंतों के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं था, अपने मनसूबों के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं था जितना यहाँ पे डिपेंडेंट हो रखे थे ये यूरोप के लॉर्ड्स। फिर भाई कहीं ना कहीं जो फ्यूडलिज्म है इसने ट्रेड को और इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं डिस्करेज किया है। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट फार्मर्स थे, जो सर्फडम वाले, मैंने आपको प्रथा बताई, ये सर्फडम अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ जुड़े हुए थे। लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना ये कुछ नहीं कर सकते थे, लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना ये अपना एग्रीकल्चर वाला काम नहीं छोड़ सकते थे, किसी दूसरे धंधे में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, किसी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। ऐसे केसेस में ऑब्वियसली बात है आप ट्रेड जैसी चीज़ों को रोक दोगे। दूसरी बात, जो फ्यूडल लॉर्ड था वो अपने सर्फ से टैक्सेस वसूल करता था, 1/3 टू 1/2 ऑफ देयर प्रोड्यूस वॉज टेकन अप इन देयर टैक्सेस एंड फील्ड। तो भाई ज़्यादातर जो आप उगा रहे हो वो टैक्सेस में ही चला जाएगा, तो आपकी और काम करने की जो इच्छा है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और डेवलपमेंट और काम करने की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली यहाँ पे क्रिश्चियन चर्चेस की बात करो, फ्यूडलिज्म के सिस्टम के साथ साथ यूरोप में ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला इलाका था यहाँ पे क्रिश्चियन चर्च का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। अगर आप बात करो तो बाइजेंटीन एम्पायर में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की चलती थी, लेकिन ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला इलाका था जिसका सेंटर था रोम में, यहाँ पे किसकी चलती थी, यहाँ पे क्रिश्चियन चर्च की चलती थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर में एक पावरफुल एम्पायर तो था नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, चीफ थे। तो कहीं ना कहीं आप देखो जो कैथोलिक चर्च था वो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, कुछ गवर्नमेंट के काम कैथोलिक चर्च ने पकड़ लिए। तो कैथोलिक चर्च और जो कैथोलिक पोप थे ये एक रिलीजियस हेड ही नहीं बने, इनके पास बहुत सारी पॉलिटिकल और मॉरल अथॉरिटी भी आ गई। ये पॉलिटिकल और मॉरल अथॉरिटी इनके पास आना ही थी क्योंकि एक राजा यहाँ पे नहीं था, और कहीं ना कहीं ये जो मिडिल एज थी ना, दिस वॉज एन एज ऑफ रिलीजन। इस एज में चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, दो किसी भी सोसाइटी में धर्म एक बहुत मेजर रोल प्ले करता था। ठीक है, तो ये मिडिल सोसाइटी में पहली बात तो धर्म एक मेजर फैक्टर था। ठीक है, और धर्म के होने के साथ साथ ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला इलाका था, यूरोप वाला इलाका था, यहाँ पे कोई एक स्ट्रांग रूलर था नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो यहाँ पे पोप की जो स्टैंडिंग थी, और पोप यहाँ पे कैथोलिक चर्च का हेड था, आज की डेट में जो भी पोप का सेंटर है वो आपका रोम ही है। तो उस समय पे जो पोप हुआ करता था वो भाई कैथोलिक चर्च का हेड था, और इस पोप की केवल रिलीजन के फील्ड में नहीं चलती थी, पॉलिटिकल और मॉरल अथॉरिटी की फील्ड में भी चलती थी। जब एंड में फ्यूडल चीफ को कुछ समझ में नहीं आता था कि करें क्या, तो वो बोलते थे कि चलो पोप के पास चलते हैं, पोप से पूछते हैं। ठीक है ना, इन पोप्स को बहुत सारे डोनेशंस मिलते थे, ज़मीनों के पैसों के डोनेशंस मिलते थे मर्चेंट से। इन पोप्स ने अपनी बहुत सारी मोनास्ट्रीज बना रखी थी, इन मोनास्ट्रीज में गरीबों की मदद भी की जाती थी, इन मोनास्ट्रीज में मेडिकल हेल्प भी की जाती थी, लोगों को पढ़ाया लिखाया भी जाता था, फ्री में खाना खिलाया जाता था। बट एट द सेम टाइम ये कैथोलिक चर्च पॉलिटिकल फील्ड में और कल्चरल फील्ड में भी इंटरफेयर करता था, और बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स को ये पसंद नहीं आता था। बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स ने बोला कि ये जो पोप हैं और ये जो कैथोलिक चर्च है इनको सिर्फ रिलीजन के फील्ड तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। और यहाँ पे एक लड़ाई सी उठी फ्यूडल लॉर्ड्स और पोप के बीच में, और बाद में आप देखोगे कि रेनेसा और रिफॉर्म मूवमेंट्स आएंगे जिनको हम आगे बात करेंगे। तो ये पढ़ा हमने एक बेसिक ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज़ कैसे आगे बढ़ी।
अगली वीडियो में हम लोग अरब वर्ष से शुरुआत करेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझने को और सीखने को यहाँ दोस्तों मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप इन वीडियोस को शेयर करोगे उतनी ही मुझे मदद मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।